बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.2 एंड दिस टॉपिक इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी? यूनिटी स्टैंड्स फॉर वन, जिस तरह हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ वन है तो हमारे पास आता है प्लस वन एंड माइनस वन, दो रूट्स आते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जिस वक्त हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो हमारे पास तीन रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी लेट एक्स बी द थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी स्टैंड्स फॉर वन। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जस्ट लाइक जिस तरह से हम कहते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कब? जिस वक्त हमने किसी चीज के ऊपर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना तो हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर, ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। इसी तरह से वन के ऊपर से हमने थर्ड रूट को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड रूट का अपोजिट प्रोसेस यानी क्यूब लेंगे। सो क्यूब रूट का अपोजिट हो गया क्यूब, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स से क्या होगा कि एक्स का क्यूब आ जाएगा और यहां पर आपके पास जो थर्ड रूट है वन का, उसका जब आप क्यूब लेंगे तो जाहिर सी बात है जिस वक्त आप ये पावर थ्री तो बाहर आ गई, आप जब थर्ड रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा वन पावर वन बाई थ्री। वन पावर ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा वन पावर वन बाई थ्री, और फिर यहां से थ्री और थ्री कैंसिल होकर वन की पावर वन यानी वन ही रह जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर जो है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड मैंने थर्ड रूट ऑफ वन को खाली वन लिखा है, क्योंकि थर्ड रूट और क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, प्लस वन को हमने शिफ्ट करना है टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो पॉजिटिव वन है उस तरफ जाके नेगेटिव वन यानी माइनस वन हो जाएगा। अब यहां पर आपने एक्स क्यूब माइनस वन को फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब माइनस वन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ध्यान में रखनी है ये बात कि एक्स क्यूब माइनस वन जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी है फैक्टराइज होगा। फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो आपके पास ए माइनस बी इन टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में छोटे ब्रैकेट में माइनस होगा और ए बी के साथ क्या होगा, प्लस होगा। ये दो बातें नोट करने के काबिल हैं। सो एक्स क्यूब को हमने लिखा एक्स होल क्यूब, माइनस वन को हमने लिखा वन का क्यूब, क्योंकि वन की कोई भी पावर हो तो हमारे पास क्या आता है, आंसर वन। अब यहां पर हमें क्यूब क्यूब चाहिए तो इसलिए हमने वन को लिखा वन का क्यूब। नाउ दिस इज सेट टू अप्लाई दिस फार्मूला, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज ए आपके पास जो है क्यूब के नीचे जो लिखा हुआ है, सो ए माइनस बी आ गया एक्स माइनस वन इन टू ए स्क्वेयर। अब यहां पर आपको पता है कि ए आपने क्या लिया हुआ है, एक्स, सो ए स्क्वेयर आ गया आपके पास एक्स का स्क्वेयर, फिर प्लस ए बी, ए इज एक्स एंड बी इज वन, एंड फिर प्लस बी स्क्वेयर यानी वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस वन इन टू स्क्वेयर को अंदर अप्लाई करते हैं पावर पर पावर का रूल है टू वन इज टू, सो एक्स होल स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन इज एक्स एंड वन का स्क्वेयर एवरीबॉडी नोज दैट वन मल्टीप्लाई बाय वन इज वन। नाउ जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वेयर टू फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट जीरो, देन देयर एग्जिस्ट two possibility, three possibilities, either x minus 1 is equal to 0, or x square plus x plus 1 is equal to 0, or both is equal to 0. तो हमने तीसरी condition ली है, जहाँ पे हमने पहले factor x minus 1 को भी 0 के जो है equal consider किया, और x square plus x plus 1 ये जो दूसरा factor है, इसको भी हमने 0 के equal consider किया है। This is simple, x की value find करने के लिए x को isolate किया, minus 1 is shifted to the right hand side to get plus 1, sign change हो गया, so x is equal to 1 आ गया। यहां पर आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या किया कि यहां पर ए बी और सी की वैल्यू ले ली। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए की वैल्यू होती है, और एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जिसके साथ एक्स पावर जीरो होती है वो कांस्टेंट सी की वैल्यू होती है। लिहाजा ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू वन आ गई, सी कांस्टेंट भी है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, वन हो गई। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम पहले चैप्टर के अंदर बार बार क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं। एक्स वेरिएबल के लिए ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होल डिवाइडेड बाय टू। नाउ सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज, ये जो आपके पास आई हैं
माइनस फार्मूले वाला है और बी की वैल्यू आ गई वन प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए सी, फोर अपनी जगह पर है, ए आपके पास वन आ गया, सी आपके पास वन आ गया, होल डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई ए, यानी ए की वैल्यू आपके पास वन है। माइनस वन उसी तरीके से, प्लस माइनस उसी तरीके से, वन का स्क्वायर हमें पता है वन मल्टीप्लाई बाई वन वन, माइनस फोर वन इज फोर एंड देन अगेन फोर, सो फोर वन इज फोर डिवाइडेड बाई टू वन इज टू, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस वन माइनस फोर अपोजिट साइन है, प्लस वन माइनस फोर आपको पता है कि अपोजिट साइन होने की वजह से चार में से एक ड्रॉप होगा यानी थ्री आएगा और साइन लगेगा फोर के साथ वाला यानी माइनस, क्योंकि वही टर्म वाला साइन लगता है, सो दिस इज नाउ अंडर रूट माइनस थ्री। और आपको मैं पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ, हम कर चुके हैं डिस्कस ये बात कि 2.1 के अंदर कि जब रूट के अंदर नेगेटिव कोई चीज़ आ जाती है तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, हम 2.1 में इसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। सो अंडर रूट माइनस थ्री इज एक्चुअली आयोटा अंडर रूट थ्री। अब ये आयोटा अंडर रूट थ्री के बराबर कैसे आए ये आपको मैं रफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडर रूट थ्री को आप लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और रूट आ गया, फिर बीच में मल्टीप्लाई है तो थ्री पर रूट अलग हो जाएगा और माइनस वन पर रूट अलग हो जाएगा। अब अंडर रूट थ्री अपनी जगह पर है जबकि अंडर रूट माइनस वन आप नाइन्थ क्लास में भी सीख चुके हैं कि अंडर रूट माइनस वन जो होता है वो क्या होता है आयोटा होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट माइनस वन होती है। सो अंडर रूट थ्री आयोटा लिखें या आयोटा अंडर रूट थ्री लिखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में होल्ड होती है, डजंट मैटर। यहाँ पे आपके पास x = -1 + - iota √3 / 2 आ गया। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन-कौन से दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक आपके पास आ गया -1 + iota √3 / 2 और एक आ गया -1 - iota √3 / 2, दोनों को मैंने अलग-अलग कर दिया, आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया नेगेटिव रूट पॉजिटिव रूट और ये आपके पास आ गया नेगेटिव रूट, यानी x = -1 + iota √3 / 2 और दूसरा आ गया x = -1 - iota √3 / 2। अब स्टूडेंट्स ग्रीक एक लेटर है ओमेगा, लिखा इसको W जाता है, पढ़ा इसको ओमेगा जाता है, फिजिक्स के अंदर हम इसको जो एंगुलर जो होती है आपके पास मोमेंटम होता है उसको भी शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं ओमेगा का नाम दे देते हैं, x = -1 + iota √3 को हम क्या करते हैं ओमेगा का नाम, और यहां पर जो है इसको हम कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं ये मैं प्रूफ करूंगा कि why this value is called ओमेगा स्क्वायर, पहले मैं ये प्रूफ करूंगा और फिर उसके बाद मैं ये प्रूफ करूंगा कि आया जो प्रॉपर्टीज उसने दी हुई है सम वाली भी और प्रोडक्ट वाली भी, तो उनको भी मैं अब नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो ध्यान रखनी आपने ये बात कि हमारे पास जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो तीन है, एक आ गया वन, एक आ गया माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू और एक आ गया माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, जिनको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया और सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ गया वन कामा ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि इफ ओमेगा इज टेकन एज माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू देन हाउ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू। अब इसलिए हमने यही जो हमने सपोज किया है कि ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, इसी को हम लेके चलेंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तक पहुंचने के लिए। सो कंसिडर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू एंड देन टू गेट ओमेगा स्क्वायर हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर, सो लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर हो गया और राइट हैंड साइड पे ऊपर जो फ्रैक्शन है उस पर भी स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन पर स्क्वायर है तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग होगा और डिनोमिनेटर टू का स्क्वायर अलग हो जाएगा फोर। न्यूमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो इक्वल होगा ए का स्क्वायर दैट इज माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज आयोटा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए आ गया माइनस वन और बी आ गया आयोटा अंडर रूट थ्री होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया फोर। एवरीबडी नोज दैट माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और वन का स्क्वायर वन प्लस आयोटा पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि बी की मल्टीप्लीकेशन है और अंडर रूट थ्री पर भी दोनों पर स्क्वायर अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। प्लस इनटू माइनस इज माइनस टू वन इज टू एंड आयोटा अंडर रूट थ्री उसी तरीके से आ गया डिवाइडेड बाई फोर भी उसी तरीके से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में वन अपनी जगह पर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिखा है माइनस वन। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूं तो इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा माइनस वन रह जाएगा और वहां पर आयोटा पर स्क्वायर आया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगी क्या बचा माइनस वन, सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन।
सो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर माइनस वन। और फिर यहाँ पर आप ये भी देखेंगे अंडर रूट थ्री पे जो स्क्वायर लग हुआ उसने उसके रूट को कैंसिल करके सिर्फ बच के थ्री आपके पास, माइनस टू आयोटा अंडर रूट थ्री उसी तरीके से आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइडेड बाई फोर आ गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में वन उसी तरह शिफ्ट हो गया, माइनस वन इंटू थ्री डेफिनेटली प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड थ्री वन इज थ्री, और फिर माइनस टू अंडर रूट आयोटा और डिवाइडेड बाई फोर। सो प्लस वन और माइनस थ्री ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, प्लस वन और माइनस थ्री, क्यों लाइक टर्म्स हैं दोनों के साथ एक्स पावर जीरो, प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू आयोटा अंडर रूट थ्री पहले से मौजूद है डिवाइडेड बाई फोर उसी तरीके से आ गया। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा जी, हमने क्या करना है कि टू और टू क्या कर दिए कॉमन ले लिया, माइनस और कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें माइनस चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में माइनस रिक्वायर्ड है, सो हमने सिर्फ टू को कॉमन लिया। तो टू को कॉमन लेने से साइन भी चेंज नहीं होगा, क्यों प्लस टू कॉमन लिया है, माइनस उस तरह से आएगा टू बार गया तो वन रह जाएगा, जहर टू माइनस टू होता है, यहाँ से टू डिसअपीयर हो गया कॉमन ले लिया आयोटा अंडर रूट थ्री रह गया आपके पास, डिवाइडेड बाई फोर को मैंने क्या कर दिया फैक्टर्स में कन्वर्ट करके शो किया ताकि आपको पता चले कि फोर को हम जब टू मल्टीप्लाई बाई टू रखेंगे अब भी जो मल्टीप्लीकेशन है तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, रह गया आपके पास माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री, माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। और आप देख सकते हैं कि हमने माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू को ही ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया है। और क्यों नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है तो हमने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर इसी ओमेगा की वैल्यू को हम स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू देगा। सो स्टूडेंट्स ये बात भी हमने प्रूफ कर दी, अब हम प्रूफ करेंगे इनकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की और प्रोडक्ट की, सम और प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज जो है प्रूफ करने जा रहे हैं वो है द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, ये हमने प्रूफ करना है। नाउ व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हम अभी प्रूफ कर चुके कि एक आया था वन, एक आया था ओमेगा, एक आया था ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो इट मीन्स दैट हमने अप्रूव करना है कि इनका जो सम है वो इक्वल टू जीरो है। और ये वाली जो हम प्रॉपर्टी और इसके बाद जो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे ये 2.2 एक्सरसाइज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके अंदर ये बार बार यूज होंगी एज अ स्टेप, यानी जहाँ पर हमें नजर आया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हम उधर बिल्कुल जो है विदाउट एनी टेंशन विदाउट एनी हेजिटेशन जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पर हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। वन उसी तरीके से लिखा जाएगा बिकॉज वन इज वन, प्लस ओमेगा की जगह पर अभी हमने फाइंड किया कि ओमेगा की वैल्यू माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू है, एंड ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ गया माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, और बीच में पॉजिटिव साइन यानी सम फाइंड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो वन माइनस थ्री बाई टू या प्लस थ्री बाई टू प्लस सेवन बाई टू तो हम क्या करते हैं, वन टू और टू कैल्सियम लेते हैं, और हमें पता है वन टू और टू कैल्सियम क्या आएगा टू आएगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने एलसीएम क्या कर दिया टू लिख लिया, और उसको बिल्कुल एक लंबी लाइन लगा के बिल्कुल सेंट्रलाइज करके लिखना है, आपने सेंटर में लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक और चीज भी कंक्लूड कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जिस वक्त एलसीएम आ गया टू तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आपका वन है उसको हम टू पर डिवाइड करते हैं, वन को क्या करते हैं टू पर, तो जाहिर है ये टू टाइम्स जाएगा टू, इस टू को क्या करते हैं इस टू को हमने इस वन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पे लिखना होता है, प्लस टू को जब टू पे डिवाइड किया तो वन आएगा, उस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा, फिर टू को टू पे डिवाइड किया वन आया, तो सेवन को जब वन से मल्टीप्लाई किया तो सेवन आया। यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा, न्यूमिनेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा दोनों केसेस में, अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम नहीं है तो फिर न्यूमरेटर वन उसी तरह शिफ्ट नहीं होगा टू आएगा। इस प्रिंसिपल को इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, आप देख रहे हैं कि वन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन है, लिहाजा वो वन इस टू पे टू टाइम जाएगा, जस्ट लाइक दैट मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया टू टाइम जाएगा, वो टू न्यूमरेटर वन से मल्टीप्लाई होकर टू आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होगा माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री। Similar is the case with the next two terms के आपके पास जो minus one minus iota under root three है वो उसी तरह से shift होगा क्योंकि LCM और denominator both are same, ठीक हो गया। Now students in this step आप देख सकते हैं कि plus iota under root three and minus iota under root three the same terms with opposite signs will be cancelled out because these are additive inverse.
नाउ आपके पास रहेगा ये 2 और यहां पर रहेगा -1 -1। 2 को हमने उसी तरह लिखा -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 और फिर 2 - 2 क्या आएगा 0 और फिर आपको पता है 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। सो 0 इज इक्वल टू 0 वी मीन कि हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी 1 + ω + ω² इस सारे को हमने सिंपलीफाई किया तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या आया 0 व्हिच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड हेंस प्रूव दैट 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0। सो हमने प्रूव कर दिया कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। नाउ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट कि इसी एक फार्मूले को हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे और बाज़ औक़ात जो है इसी फार्मूले से एक नई जो है फॉर्म भी हम हासिल करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 1 और ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ूं तो थर्ड टर्म उधर शिफ्ट होगी यानी ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर -ओमेगा स्क्वायर होगा। ये फार्मूला इस फॉर्म में भी इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चंस में कि हम 1 + ω की जगह क्या लिखेंगे -ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हमने जब ओमेगा स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया तो अब बारी है ओमेगा की। इन तीनों में से आप देखें तो ओमेगा गायब है तो ओमेगा किधर गया ओमेगा उस तरफ गया लिहाजा ये फॉर्म भी बाद सवालों में इस्तेमाल होगी कि 1 + ω² इज इक्वल टू -ओमेगा। और फाइनल एक और फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती है एक और शेप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इधर हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को शिफ्ट किया इधर हमने ओमेगा को शिफ्ट किया अब बारी है कांस्टेंट 1 की 1 को तो शिफ्ट करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इधर रहेंगे तो ओमेगा +ω² इज इक्वल टू -1। ये तीनों फार्मूले भी इसी फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड हैं और ये चारों के चारों जो है वो क्वेश्चंस में आगे बाकायदा इस्तेमाल होंगे। जिधर इस्तेमाल होंगे मैं आपको वहाँ पर इनका रेफरेंस लाजमी दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। नाउ स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बार बार इस्तेमाल होता है आगे 2.2 एक्सरसाइज के अंदर। अब हमें पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं। अभी हमने प्रूव किया कि एक 1 आया एक ओमेगा आया एक ओमेगा स्क्वायर आया। हमने इनके प्रोडक्ट को बीच में जो डॉट है किसको शो कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को। आप बीच में क्रॉस भी डाल सकते हैं ठीक है। नाउ 1 उसी तरह से शिफ्ट हो गया ओमेगा की वैल्यू -1 + iota√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - iota√3/2। अब हम इनको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शंस को तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। अनलाइकली कि जिस तरह अगर एडिशन में हमने क्या किया था एलसीएम लिया था यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 1 को तो भूल जाए जाहिर है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर यही 2 आपको फैक्टर्स देगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने इस फैक्टर को भी लिखा है और इसको फ्रैक्शन को भी लिखा है ठीक है। 1 गायब हो गया यानी मल्टीप्लाई हो गया। जिस तरह हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आता है ठीक है। सो -1 + iota√3/2 और -1 - iota√3/2 न्यूमिरेटर को जब हम न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा a + b (a - b)। हर बच्चे को पता है कि इक्वल होता है a² - b² के। अब यहाँ पर आप गौर करें तो a आपके पास कौन है -1। देखिए दोनों तरफ -1 है दोनों फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर में पहली टर्म जब वो -1 है इसका मतलब ये a हो गया। प्लस b आपके पास जो है वो क्या है iota√3 यहाँ पर भी है और iota√3 यहाँ पर भी है वहां पर प्लस है ये माइनस है लिहाजा दिस इज बिल्कुल जो है परफेक्ट है ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होने के लिए। सो a + b (a - b) इज इक्वल टू a² यानी a² वी मीन -1 का स्क्वायर। ये देखिए मैंने सर्कल करके आपको हाईलाइट किया कि a² मीन -1 का स्क्वायर और b² मीन iota√3 का स्क्वायर और बीच में माइनस आएगा क्योंकि आपके पास फार्मूले में क्या है माइनस है ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 1 हमने लाना है। नेक्स्ट आपके पास 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आएगा। हर बच्चे को पता है कि -1 के स्क्वायर का मतलब होता है कि माइनस का भी स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर यानी माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा और 1 भी आपके पास जो क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो -1 क्या हो जाएगा प्लस और 1 क्या हो जाएगा 1 सो +1 सो -1 स्क्वायर आ गया आपके पास 1 माइनस स्क्वायर है और आयोटा √3 का स्क्वायर है कंबाइंड स्क्वायर है आयोटा को भी स्क्वायर मिलेगा √3 को भी स्क्वायर मिलेगा। सो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर। अभी हमने जब प्रूफ कर रहे थे 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0 तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके -1 के और यहाँ पर रेडिकल साइन है रेडिकल साइन और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर सिर्फ रह जाएगा आपका 3/4। 1 ये माइनस और ये माइनस ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट शोज मल्टीप्लीकेशन सो दैट माइनस माइनस इज प्लस एंड 3 1 इज 3/4।
1 plus 3, very easy, 4, and 4 by 4, every number is equal to, every number is divisible to itself, or equal to 1 आता है, हर number जो है वो क्या होता है, अपने ऊपर completely divide होता है, और 1 time divide होता है, so 4, 4 को divide किया, 1 आ गया, और यही हमारे पास आना भी चाहिए था, क्योंकि right hand side 1 है, it means that left hand side is equal to now right hand side, and what was left hand side was 1 multiply by omega square, is equal to right hand side 1. So prove कर दिया हमने कि the product में multiply करना. So product of cube root of unity आपके पास क्या आया है? तो 1 यही हमने क्या करना था? Prove भी करना था. ना सिर्फ prove करना है, बल्कि आगे इसको याद भी रखना है. ठीक है? अब इसी result से हम ये result भी conclude कर सकते हैं कि if 1 multiply by omega square is equal to 1, then we can conclude that omega cube is equal to 1. Why omega cube is equal to 1? आपको पता है कि ये omega है, ये omega square है, same basis है, जिस हम x को x square से multiply करते हैं. 1 आपको पता है कि वो sum हो जाएगा, 1 multiply हो गया, multiplicative identity है, तो अगले step में आपके पास क्या रह जाएगा? Omega into omega square. तो omega into omega square बिल्कुल इस तरह multiply होगा, कि same basis multiply हो तो power add हो जाती है. तो यहाँ पर भी आप देखें omega mean omega power 1, omega square है, तो 1 और 2 आपस में add हो जाएगी powers और omega cube आ जाएगा. So must remember this value omega cube is equal to 1. ये बार बार exercise 2.2 में मुख्तलिफ questions के अंदर इस्तेमाल होगी. Students, मैंने exercise 2.2 से पहले जितनी भी necessary topics थे, necessary जो results थे, जो properties थी, वो मैंने डिस्कस की हैं, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ठीक हो गया? इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 के साथ मिलते हैं बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.